welcome back to my channel. I am Upasana Taneja. In today's video, we will discuss about center of dihedral group. So my aim is to cover all basics and short tricks while discussing this topic. So जब हम ये center का topic discuss करेंगे, okay? So इसमें जो भी concepts आएंगे आपके, उसको with the help of short tricks आपने देखना है और समझना है. And I assure you कि सेंटर किसी भी ग्रुप का आपको अच्छे से निकालना आ जाएगा. अच्छे से कैसे हमने फाइंड आउट करना है सेंटर को, ओके? और वीडियो को प्लीज एंड तक देखिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं. इफ यू लाइक दिस, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. आई नीड योर सपोर्ट टू शेयर, ओके? एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड प्लीज प्रेस बेल बटन इफ यू लाइक दिस वीडियो, ओके? सो वी स्टार्ट दिस वीडियो. सेंटर ऑफ डाइहेड्रल ग्रुप. लास्ट कुछ वीडियोस से वी आर डिस्कसिंग अबाउट डाइहेड्रल ग्रुप. व्हाट इज डाइहेड्रल ग्रुप? डीएन ग्रुप. क्या होता है ये ग्रुप? ये ग्रुप होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई एक्स वाई. ये जो है ये है रिफ्लेक्शंस वाई वाई स्क्वायर अप टू सो ऑन वाई रेस टू पावर एन माइनस वन एंड वाई रेस टू पावर एन वॉज ई. ओके, सो वी विल नॉट राइट हेयर. ओके, एंड एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई रेस टू पावर एन माइनस वन. हेयर वी हैव एन रोटेशंस एंड एन रिफ्लेक्शंस. डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं हम ये ग्रुप बहुत बार. डी थ्री डी फोर अलग से भी डी फाइव इनके सब ग्रुप्स ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स ओके एंड कंस्ट्रक्शन ऑल दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल. ओके, सो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट सेंट्रल ऑफ डाइहेड्रल ग्रुप. क्या होता है सेंटर किसी ग्रुप का? ये डाइहेड्रल ग्रुप होता है. एंड वी नो दैट डाइहेड्रल ग्रुप इज नॉन साइक्लिक एंड नॉन अबेलियन. ना तो ये साइक्लिक होता है ना ही अबेलियन होता है. सो जब हम बात करें सेंटर की, सपोज वी हैव अ ग्रुप जी, व्हाट इज सेंटर ऑफ जी? सेंटर ऑफ किसी भी ग्रुप के सेंटर में कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं? ओके, दोज एलिमेंट्स विच कम्यूट विद ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप. ओके, जी बिलोंग्स टू जी. दोज एलिमेंट्स ऑफ जी विच कम्यूट. कम्यूट करना मींस एक्स जी इज इक्वल टू जी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी. जो ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं ग्रुप के, वो एलिमेंट्स सेंटर में आते हैं. ओके, सो दिस इज सेंटर. सो मींस अबेलियन प्रॉपर्टी, ये अबेलियन प्रॉपर्टी को शो कर रहा है. तो जो अगर अबेलियन ग्रुप हुआ, इफ जी इज अबेलियन, इफ अ ग्रुप इज अबेलियन, देन सेंटर क्या होता है उसका? जेड जी इज इक्वल टू जी, क्योंकि सारे एलिमेंट आपस में कम्यूट कर रहे हैं. ओके, इफ ऑल एलिमेंट्स आर कम्यूटिंग दैट मींस जेड जी इज इक्वल टू जी. ओके, सो बट वी वांट टू डिस्कस सेंटर ऑफ डीएन एंड डीएन इज नॉन अबेलियन. ओके, सो हाउ विल वी राइट? डीएन क्या है? नॉन अबेलियन है. सो जेड ऑफ डीएन में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? ओके, अब हम बात करें, ये होती है रिफ्लेक्शंस, ये होती है रोटेशंस. सपोज वी वर हैविंग अ ग्रुप ऑफ, अगर हमारे पास सिमेट्री ऑफ स्क्वायर्स का ग्रुप है, डी फोर है. इन डी फोर अगर आप रोटेट करो इसको 90 डिग्री से, देन रोटेट करो इसको 180 से, और रोटेट करो पहले किससे? 180 से, फिर करो 90 से, तब आप दोनों केसेस में किस पे आ जाएंगे? R270 पे. मींस y किस पे? y क्यूब पे. हम इसको क्या बोल देते हैं? y क्यूब बोल देते हैं, है ना? R90 को हम क्या बोलते हैं? y. R80 इज y स्क्वायर, R270 इज y क्यूब एंड R360 इज y फोर और आइडेंटिटी. ओके, सो इफ वी विल रोटेट, अगर आप क्या करो, पहले 90 से रोटेट करो फिर 180 से करो, तो यू विल रीच हेयर y क्यूब. या फिर पहले 180 से करो देन 90 देन ऑल्सो यू विल रीच हेयर. सो जितनी भी रोटेशंस होती हैं, ऑल रोटेशंस
commute with each other. Okay, all rotations in D3, Indian group, all rotations commute with each other. Okay, and identity element also commutes with all elements. है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऐसा है. आइडेंटिटी एलिमेंट इफ यू विल अप्लाई ई और वाई स्क्वायर, एंड वाई स्क्वायर और ई, ये सब एलिमेंट के साथ क्या करेगा, कम्यूट करेगा. दैट मीन्स आइडेंटिटी तो आएगी ग्रुप में, किसके सेंटर में, आइडेंटिटी सेंटर में आएगी. अब आइडेंटिटी के अलावा और कौन सा एलिमेंट होगा जो सेंटर में आएगा. हमने ये देखा कि जो रोटेशंस होती हैं वो तो कम्यूट करती हैं, बट रोटेशंस आपस में कम्यूट कर रही हैं. रोटेशंस आर नॉट कम्यूटिंग विद रिफ्लेक्शंस. इफ यू आर फर्स्ट यू आर रोटेटिंग एंड देन फर्स्ट यू आर रिफ्लेक्टिंग एंड देन रोटेटिंग, और फर्स्ट यू आर रोटेटिंग एंड देन रिफ्लेक्टिंग, दिस विल नॉट बी इक्वल. ये इक्वल नहीं होता है ना. सो रोटेशंस जो है वो रिफ्लेक्शंस के साथ कम्यूट नहीं करती. बट वी नो वन थिंग इन दिस ग्रुप, that x y is equal to y inverse x, okay. और commute करने के लिए we need for z g, we need those elements z of dn. For z of dn we need those elements such that कौन से x y is equal to y x. ऐसे जो भी elements होंगे वो किस में आएंगे, या फिर एक्स वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स, एक्स वाई क्यूब एक्स. तो ऐसे एलिमेंट सेंटर में आएंगे. तो हमने ये देखना है किस एलिमेंट के लिए एक्स वाई एन इज इक्वल टू वाई एन एक्स, बिकॉज वी हैव एलिमेंट्स ऑफ दिस टाइप वाई वन वाई टू वाई थ्री. सो किन एलिमेंट्स के लिए एक्स वाई एन एक्स की इक्वल होगा. ओके, नाउ वी नो वन थिंग, ये एक रिलेशन इसमें होता है, दैट इज एक्स वाई इज इक्वल टू y n x, या फिर x y raised to power n is equal to y n raised to power minus n into x. ये रिलेशन होता है डायहेड्रल ग्रुप का, ये तो पता ही है आपको, हम ये डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार पहले. सो इसमें क्या है जो ये चीज होती है, जो ये रिलेशन होता है, वी वॉन्ट अगर y ये माइनस वन होता है, इफ y इक्वल हो जाए y इनवर्स के, ओके, दैट मीन्स इनवर्स की जगह पे क्या आ जाए, वाई आ जाए. दैट मीन्स दिस इज ओनली व्हाट वी वांट, वी वांट दिस ओनली दैट एक्स वाई शुड बी इक्वल टू वाई एक्स, बिकॉज इस वाई इनवर्स की जगह पे क्या आ जाए, वाई आ जाए. तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कम्यूट करेंगे, दैट मीन्स सेंटर में आ जाएंगे. सो ऐसे कौन से एलिमेंट होंगे जो वाई वाई इनवर्स के इक्वल हो, वो एलिमेंट्स कौन से होते हैं जो सेल्फ इन्वर्टिबल होते हैं. Those elements which are self-invertible are elements of order 2. Okay, elements of order 2 के है ना. So ऐसे y's, ऐसी rotations which are of order 2, those will come in किस में आएंगी, वो rotations center में आ जाएंगी. Okay. So, अगर हम बात करें हेयर, इफ वी विल से अबाउट D3, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स हमने बहुत अच्छे से डिटेल में निकालना सीखा था लास्ट वीडियोस में. सो प्लीज वॉच दैट वीडियो, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्या होता है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट. हम D3 की बात करें, दिस वॉज D3, वाई वाई स्क्वेयर, ओके, एंड एक्स एक्स स्क्वेयर, एक्स वाई स्क्वेयर. D4 क्या होता है, D4 इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई वाई वाई स्क्वायर वाई क्यूब, एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई क्यूब. दिस इज D3, दिस इज D4. अब हमें ये पता है कि आइडेंटिटी तो आएगा, आइडेंटिटी तो आएगा किसमें, सेंटर में. और क्या आएगा सेंटर में, D3 है, D3 में ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ओनली रिफ्लेक्शंस. D3 में कोई रोटेशन ऐसी नहीं होती जो ऑर्डर 2 की हो, ये डिस्कस कर चुके हैं हम. D4 में सिर्फ ये एक रोटेशन बीच वाली, आप वाई D6 डिस्कस करोगे तो वाई क्यूब आएगा है ना, सिर्फ एक रोटेशन ये बीच वाली
ऐसी होती है, ये बीच वाली रोटेशन हमेशा कौन सी होगी, डी फोर बाय टू एन बाय टू वाली, एन इवन सॉरी वाई एन बाय टू और एन ऑड। तो वाई एन बाय टू वाली रोटेशन ऐसी होगी जिसका ऑर्डर क्या होता है, टू होता है, दैट मींस वो सेल्फ इन्वर्टिबल होती है ना, दैट मींस एक्स वाई स्क्वायर इज बी इक्वल टू वाई रेस टू पावर माइनस टू, और वाई रेस टू माइनस टू तो क्या होगा, वाई टू ही होगा, दैट मींस वो जो होगी वो कम्यूट करेगी। ओके सो किसके साथ, रिफ्लेक्शन के साथ, सो इसके साथ, ठीक है। तो ऐसा होगा तो ये रोटेशन जो होगी वो किस में आ जाएगी, सेंटर में आ जाएगी। ओके तो सेंटर अगर एन ऑड है, एन ऑड में हमें एक भी रोटेशन नहीं मिलेगी जिसका ऑर्डर टू हो, तो सिर्फ आइडेंटिटी। एन इवन है तो हमें एक रोटेशन ऐसी मिलती है जिसका ऑर्डर टू हो, इसीलिए ये एक एलिमेंट आता है एन इवन के केस में, वाई रेस टू पावर एन बाय टू। ओके ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स को अच्छे से पढ़ने के लिए वो वीडियो देखिए जिसमें आपको ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कैलकुलेट करना आ जाएगा, उसमें हमने बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस की थी। सो प्लीज वॉच दैट वीडियो, एंड फॉर मोर वीडियोज ऑफ हायर मैथमेटिक्स, मॉडर्न एलजेब्रा, रियल एनालिसिस, डिफरेंशियल इक्वेशंस, चैनल को विजिट कीजिए। ओके अलग अलग प्लेलिस्ट है, सो यू कैन वॉच दोज प्लेलिस्ट। सो इफ यू आर गेटिंग इट, प्लीज सपोर्ट मी बाय शेयरिंग माई वीडियो। ओके एंड प्लीज प्रेस बेल बटन सो दैट यू कैन गेट लेटेस्ट अपडेट्स, एंड ज्वाइन टेलीग्राम चैनल मैथमेटिक्स बाय डॉक्टर उपासना पहुजा तनेजा। यू कैन गेट लिंक्स इन चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके And thank you so much for watching. Keep watching.